पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरती रही है। बीते कुछ महीनों में सीमा हैदर का मामला शांत नजर आ रहा था कि अचानक उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया। बीते हफ्ते ही सीमा हैदर ने ये ऐलान किया था कि 2024 में वो अपने हिंदुस्तानी पति सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। सीमा के इस ऐलान के बाद अब उसके पाकिस्तानी पति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने सीमा हैदर को लेकर न केवल बड़ा दावा किया है, बल्कि उसने इस वीडियो में भारत सरकार से बड़ी मांग की है। सीमा हैदर को लेकर गुलाम हैदर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर सीमा ने सचिन के बच्चे की मां बनने को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल सीमा हैदर ने एक वीडियो में दावा किया है कि होली के बाद उसके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। सीमा हैदर से जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो दावा कर रही है कि सचिन के बाबा ने सीमा का हाथ देखकर बेटा होने की भविष्यवाणी की है। सीमा के इन बयानों के बीच गुलाम हैदर ने मंगलवार यानी 2 जनवरी को YouTube पर एक लाइव किया। इस लाइव में वो काफी नाराज दिख रहा है। हालांकि वीडियो में गुलाम ने सीमा के मां बनने पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। वो सीमा हैदर समेत उसके भारतीय पति सचिन, उसके ससुर और वकील एपी सिंह पर नाराज दिख रहा है। गुलाम इस वीडियो में एक बार फिर अपने बच्चों को वापस मांग रहा है। गुलाम ने कहा कि बच्चे उसके हैं और उसे वापस मिलने चाहिए। आपको बताएं तो सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो सीमा को लेकर बड़ा दावा कर रहा था। गुलाम हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से उसने गुहार लगाई थी कि सीमा हैदर को जेल भेज देना चाहिए। साथ ही उसने ये भी कहा था कि सीमा हैदर भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा है। गुलाम ने अपने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई थी।